बेगूसराय में एक बार फिर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में दोनों तरफ के चार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल व्यक्ति का इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के दशरथपुर गाँव की है। वही घायल व्यक्ति की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के दशरथपुर गाँव के रहने वाले रणधीर कुमार, पत्नी शारदा देवी, भाई उमा शंकर प्रसाद और उमा शंकर की पत्नी ममता देवी के रूप में की गई है। वहीं दूसरे पक्ष के घायल व्यक्ति की पहचान चुनचुन महतो, पत्नी कौशल्या देवी, पुत्र कृष्ण कुमार और संजीव कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि चुनचुन महतो और रणधीर कुमार के साथ कई वर्षों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। इसी बीच फिर जमीन विवाद को लेकर दोनों में हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडा शुरू हो गया। इस हमले में दोनों तरफ से चार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कृष्ण कुमार ने बताया कि एक कट्ठा जमीन मेरा है और रणधीर कुमार के द्वारा जबरन उस पर घर बना रखा है। उन्होंने कहा कि सीओ के द्वारा उसे खाली कराने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जमीन को जबरन कब्जा किए हुए है। आज जब उस जमीन को खाली कराने गए, वह लोग पूरे परिवार मिलकर मेरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं रणधीर कुमार ने बताया कि पुश्तैनी जमीन है और इस जमीन पर तकरीबन 100 वर्षों से रह रहे हैं। इस जमीन को लेकर कई बार पंचायत भी हुआ, लेकिन वह लोग मानने को तैयार नहीं है। आज जबरन मेरे घर को तोड़ने आया, जब इसका हम विरोध किए तो हम लोगों पर लाठी डंडा से पीट पीट कर पूरे परिवार को घायल कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद मंसूरचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। हेलो सर, गाना उना का यहाँ पे कोई दूर दूर से कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ पे जमीनी विवाद का मैटर था। मेरा जमीन उसमें मेरे घर में एक कट्ठा मतलब जमीन में वो मेरे में घर बनाया हुआ है और प्रशासन से ऑर्डर गया, सीओ से ऑर्डर गया घर को तोड़ने के लिए। उसी बात पे ये लोग जो है अलग अलग तरह के गाना उना या फिर गाना बजा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, डेक बजा रहा था, ये सब एक बहाना बना के हम लोग से लड़ा और हम लोग सब सारे फैमिली को बेरहमी से पीटा है। ये कितने लोग? 5 लोग घायल है इसमें। 5 लोग इसमें घायल हैं और बहुत लाठी उठी से मारपीट करा है, जिसमें अंदर से भी मारा है, ऊपर टूट फूट कम हुआ है लेकिन मारपीट करा है और मुझे बहुत टूट फूट भी गया है। पूरा इन्वेस्टर्स, मेरा लैपटॉप, हर कुछ टूट फूट लिया गया है और गाना का ये पूरे फॉल्ट है, इट्स द 100% फॉल्ट, एक बहाना है, इट्स द बीटेक कर रहा हूँ। आपके साथ कर रहा हूँ, आपके भी साथ मारपीट किया? मैं इंजीनियर हूँ, 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ। आपके साथ भी? मेरे साथ भी ये फोड़ दिया गया, यहाँ पर फोड़ दिया गया और लाठी से मारा गया है। मुझे डर वगैरह, इसमें मुझे एक्सरे वगैरह करा के फिर मैं फाइनल रिपोर्ट दे रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। पिताजी का? चुनचुन महतो। मारने वाला कौन था? मारे भोला महतो, बलेश्वर महतो, उमा शंकर, उसका सब पूरे परिवार था और पूरे लेडीज उडीज सबको जमीन जबरदस्ती का कब्जा करे हुए है। एक कट्ठा जमीन में मेरे में घर बनाए हुए है और कम्प्लीट जब प्रशासन से, सीओ से, थाना से कम्प्लीट ऑर्डर आया कि तुम घर हटाओ, उसके बाद भी ये लोग जो अदर तरह का मतलब वो छोड़ के अदर तरह का ये नाटक कर रहा है, जो गाना बजा रहा था ये कर रहा था, अश्लील गाना बजा रहा था और ये करके जो है बाहर से भी बदमाश लाया गया था ये लोग, पास बार उधर हर तरह से ये लोग जो है बेरहमी से पिटा हम लोग को। मेरे दीवार तोड़ रहा था, ईटा छोड़ा रहा था मेरे दीवार पर और जो जैक बजा कर गाली मार रहा था, इसी पर मेरी पत्नी मतलब वहाँ पर गई, मेरी पत्नी वहाँ पर गई तो बोली क्या कि काहे ले मतलब गाली उली जे मतलब दे छो, कल के देवो ना भोजरी वाला दे मतलब गाड़ी देव, वहाँ पर 7-8 को मिल के उसको जो है मारने लगा और मारने का क्रम में जो है चेन पहनी हुई थी गला में, उसको चेन भी मतलब छोड़ दिया। मेरा पत्नी हार्ट पेशेंट है। कितने आदमी दोनों तरफ से मार हुआ था? पहले तो वही मारने के लिए हम लोग गए, हम लोग तो वहाँ 5-10 आदमी और हम थे पति पत्नी, मेरे भाभी और मेरे भैया, भैया तो बाद में आए, भाभी बाद में आए। इस मारपीट में क्या लोग आप लोग घायल हुए? क्या लोग घायल हुए? 4 आदमी। क्या नाम, कौन कौन आदमी? उमा शंकर प्रसाद, ममता देवी, शारदा कुमारी, रणधीर कुमार। अच्छा, तो जमीनी विवाद कितना दिन से चल रहा था? जमीनी विवाद तो साल भर से चल रहा है। तो बता रहा है कि मेरा जमीन पर जबरन घर बनाए हुए हैं। 100 वर्ष से पहले से ही बना हुआ था, पंचायत के द्वारा फैसला किया गया कि जैसे जैसे ठीक है कि इसको पंचायत के द्वारा तय किया गया, जनता दरबार में भी केस किया गया था, जनता दरबार में बोला गया कि आप अपने आप ही बैठ कर तालमेल करके इसको सेटअप कर लीजिए, जो अभी तक जनता दरबार में तक अभी तक केस लगा हुआ। आज वो जबरन तोड़ रहा था? जबरन मतलब तोड़ रहा था, इसको रोका, पंच के द्वारा रोका गया था कि दीवार मत तोड़ो।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार। पत्नी का? शारदा कुमारी। घर कहाँ हुआ? दशरथ। थाना? मंसूर चौक।